कोरोना काल में एक बड़ी मांग बारहवीं की परीक्षा रद्द करने की भी उठती रही है। बारहवीं की परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार 1 जून को फैसला लेने वाली है, लेकिन इसी मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। देश के अलग अलग राज्यों में अनलॉक या पाबंदियों में छूट देने का सिलसिला शुरू हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि 12वीं के छात्रों का इम्तिहान होगा या नहीं। केंद्र सरकार ने CBSE की परीक्षा को लेकर राज्यों से सुझाव मांगे थे, जिस पर कल यानी 1 जून को फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अहम है। CBSE और ICSE की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान हालात परीक्षा के आयोजन के लिहाज से सही नहीं है। याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर परीक्षा को टाला गया तो परिणाम देर से आएंगे, इसका असर छात्रों की आगे की पढ़ाई पर पड़ेगा, इसलिए परीक्षा रद्द कर किसी और तरीके से छात्रों को अंक देने की मांग की गई है। ये सुनवाई भले ही CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षा को लेकर है, लेकिन इस पर फैसले का असर देश के दूसरे बोर्ड पर भी पड़ेगा, क्योंकि तमाम राज्यों में स्टेट बोर्ड के इम्तिहान को लेकर भी माथापच्ची जारी है।